दिल्ली का लड़का के सामने दिल्ली की टीम होगी, विराट कोहली के सामने सामने दिल्ली कैपिटल्स होगा, अगर एक तरफ बैंगलोर है तो दूसरी ओर दिल्ली कैपिटल्स होगा, और जो शाम का मुकाबला है वो लखनऊ बनाम पंजाब का, अगर एक के एल राहुल के अगुवाई में जाएगी लखनऊ की टीम तो शिखर धवन बेफिक्र के अंदाज में जाएगी पंजाब किंग्स। दोनों की करते हैं बात, पहले रॉयल चैलेंजर बैंगलोर बनाम दिल्ली कैपिटल्स की करते हैं हम बात, क्या लगता है मुझे क्या हो सकती है प्लेइंग 11, उस पर भी डालेंगे चर्चा करेंगे। पहले बता देता हूँ ये मुकाबला कहाँ हो रहा है, चिन्ना स्वामी बेंगलुरु के मैदान में हो रहा है, एक और बेंगलुरु का होम ग्राउंड में मुकाबला है। यहाँ इनका अगर हेड टू हेड देखें तो 17 बार आरसीबी के पक्ष में मुड़ा है और 10 बार दिल्ली के पक्ष में। प्रॉबेबल 11 जो रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का मुझे लगता है वो ऐसा लग सकता है, विराट कोहली कॉफ्ट प्लेसेस आपको महिपाल लोंगरो दिखेंगे, ग्लेन मैक्सवेल, शहबाज अहमद, दिनेश कार्तिक, बदलू नंदनू हसरंगा आ सकते हैं वापस, डेविड बिली, हर्षल पटेल, करण शर्मा और मोहम्मद सिराज ये नज़र आ सकते हैं। और मुझे लगता है कि जो दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से मुझे लगता है डेविड वॉर्नर कप्तान, पृथ्वी शाह, मनीष पांडे, मिचेल मार्श, राइली रूसो, अक्षर पटेल, ललित यादव, अभिषेक पोरेल, कुलदीप यादव, आंद्रिक नौकिया, खलील अहमद नज़र आ सकते हैं। मुझे लगता है ये टीम हो सकती है। और आपको एक और बात बता सकता हूँ, आरसीबी का मोस्ट इकोनॉमिकल गेंदबाज है, गेंदबाजे हैं और 8 विकेट उन्होंने पावर प्ले में चिपकाई हैं 6.28 के इकोनॉमी के रेट से, और डेविड वॉर्नर हैज 3 हाफ सेंचुरी इन दिस सीजन बट हैज़न्ट सिंगल थ्रस्ट एक भी छक्का अभी तक लगाया नहीं है, तो क्या इस मुकाबले में छक्कों की बरसात देखने मिल सकती है, लेकिन क्या डेविड वॉर्नर लगाएंगे छक्का, आपको लगता है जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। और जो आज का रात का मुकाबला है, जो शाम का मुकाबला होगा वो लखनऊ बनाम पंजाब होगा, तो यहाँ पर ये मुकाबला खेला जाएगा भारत रत्न श्री अटल बिहारी एटिकाना स्टेडियम में खेला जाएगा, जो लखनऊ का होम ग्राउंड है। यहाँ पर लखनऊ और लखनऊ की क्या होगी टीम, क्या लगता है मुझे वो आपको बता देता हूँ। तो के एल राहुल, क्विंटन डिकॉक, दीपक हुड्डा, मार्कस टॉनिस, कर्नल पांड्या, निकोलस पूरन, जयदेव उनाडकर, अमित मिश्रा, आपको आयुष बतानी है कि इम्पैक्ट के रूप में दिखेंगे, अगर सेकेंड बैटिंग आती है तो आवेश खान, मार्क फोर्ड, रवि बिश्नोई, और पंजाब की तरफ से कप्तान सिंह, शिखर धवन, मैट्रू शॉट, धनकर राजपक्षे, आपको राहुल चर आपको इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में दिखाई दे सकते हैं, जितेश शर्मा, सैम करन, शाहरुख खान, हरदीप पराग, कजीतो रबाना, ऋषि धवन, आकाशदीप, ये आपको नजर अर्जदीप सिंह आपको ये नज़र आ सकती है। ये यहाँ पर ये टीम दीपक हुड्डा का 18.72 का एवरेज है अगेंस्ट स्ट्राइक आर्म फास्ट बॉलिंग की IPL 2019 से, तो ये बात होगा। और यहाँ पर ये मुकाबला रोचक रोमांचक होगा क्योंकि ये दिन डबल हेडर है, और क्योंकि ये लास्ट एक वीक से अभी तक हर मुकाबला में रोमांच आया है, हर मुकाबला फाइनल ओवर तक गया है, निर्णय उसके पहले होती नहीं, तो यहाँ पर भी ऐसी कुछ उम्मीद होगी। आपको क्या लगता है किसके नाम जाएगा ये जरूर मुकाबले, ज़रूर आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।